गणवी पप्पा आज विदा हो रहे हैं और मीडिया के सब लोग कहीं के जो आपको चाहते हैं, आपकी चाहत में सारे मीडिया वाले कल से आज तक आपके घर पे आ रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, मैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ और खासकर हमारे मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ, नव भोजपुर से रामचंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ, इंडिया टीवी से हमारे गोविंद ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ और भोजपुरी अड्डा से ना टिंकू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। संगीत भोजपुरी से मैं हमारे अशी तिवारी सीजन मीडिया न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ, आनंद जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना साथ दिया, और समय नेशनल के अरुण गुप्ता जी का भी धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पहले गणपति को आप लोगों ने इतना स्पेशल बनाया। मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ, मीडिया ने मुझे आज बनाया है, बस इतना ही बोलूंगी, इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरा साथ देते रहिए। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा गणपति इतना स्पेशल किया है, और गणपति पापा चाहे तो नेक्स्ट ईयर इससे बड़ा धमाल करूंगी गणपति में। और गणपति पापा जी के लिए कल से आपने कितनी तैयारियां की थी और कितना आपको रखरखाव करना पड़ा, कितना डर बैठा हुआ था आपके अंदर? डर बहुत बैठा हुआ था, फर्स्ट डे गणपति पापा के आने से पहले डर बहुत था, लेकिन पापा इतने अच्छे हैं ना कि आते साथ खुद ही सब कर दिए, मतलब जो मैंने जो मुझे फील हुआ है, मैं सच में बहुत डरी हुई थी, फर्स्ट टाइम है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, और पापा दोस्त हैं, किसी के भाई होते हैं किसी के दोस्त होते हैं, एक गणपति पापा एक लौते भगवान ऐसे हैं जिनको कोई भी भाई बनाता है और दोस्त बनाता है, मेरे वो दोस्त हैं और उन्होंने खुद मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप हर चीज़ें हो गई। मुझे आरती का टेंशन था कि मैं आरती कैसे करूँगी और पंडित जी कैसे आएंगे, हर एक चीज़ मतलब जो ऐसे ऐसे दिखता है ना उसमें एक एक चीज़ जुड़ी हुई होती है, और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, और जो मेरा फीलिंग रहा है कि मैंने पापा का पूजा दिल से किया है, और जाते जाते पापा अपना आशीर्वाद ज़रूर देकर जाएंगे। तो कितना आपने सोचा था, महीनों से आपने तैयारियां सोची थी, क्या करना है, कैसे सजावट करना है, क्या क्या विचार आए थे आपको? ये एक्चुअली चल रहा था पिछले साल से, जब गणपति आई थी पिछले साल, उसी समय मैंने बोला था कि अब आने वाले साल में मैं गणपति ज़रूर रखूँगी, भले कुछ भी हो जाए पापा प्लीज़ आप साथ देना और मेरे घर में आगमन ज़रूर करना आप, और पिछले साल से ही तैयारियाँ चल रही थी, फर्स्ट ईयर है, कुछ गलती होगी तो अगले ईयर में मैं उसे पूरा करूँगी, अपने तरफ से छोटा मोटा जो भी किया मैंने, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया है। गणपति मतलब पापा का कितना ध्यान रखना होता है? बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ एक बच्चा होता है ना, तो फर्स्ट ईयर बाल गणेश होता है, बाल गणेश मतलब एक बच्चा होता है, अगर हम लोग घर में अगर कोई बच्चा होता है तो रात भर जगना होता है ना, तो उसी तरह इनके लिए भी मैं भी जगी हूँ कि मेरे घर में छोटा सा बाल गणेश आया है। आज कितना धूमधाम से विदाई करते हैं? आज बहुत ज़्यादा धूमधाम किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर है, कि लोगों को नहीं मुझे खुद को याद रहे कि मेरा फर्स्ट ईयर है गणपति का, मैंने ढोल वोल सब रखा हुआ है और बस नाचते हुए जाऊँगी, मन में दुख बहुत है लेकिन क्या है, पापा है ना तो थोड़ी उनको तो खुश करना है ना मुझे, तो इसलिए मैंने ये सब किया है। थैंक यू सो मच। देखिए विदाई तो एक प्रथा है कि पापा की करनी होती है, और विदाई करने के बाद अगर आज विदाई करेंगे तो अगले साल वो फिर उसी हर्षोल्लास से वापस आएंगे, तो जिस प्रकार वो आए थे उसकी खुशी थी, तो थोड़ा दुख तो है अगर पापा जा रहे हैं तो, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर वो हंसी खुशी वापस आए। ये सब पापा का आशीर्वाद है कि हम लोग आपका फॉर्म करते हैं, सीमा जी एक बहुत अच्छी निर्देशना है, ये सब जानते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ परफॉर्म करते हुए हमेशा एक लगता है कि हम लोग पार्टी के मोड में हैं और पार्टी कर रहे हैं, सब रंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वो भी पापा की कृपा है कि हमेशा वो अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, यही कारण है कि हमने पूरा प्रयास किया कि यहाँ पर आके सीमा जी को पूरा सपोर्ट करें और आए। गणपति पप्पा मौर्या के जगह पर हम आए हैं, उनको तत्त नमन करते हैं, और मैं सर बताना चाहता हूँ खुशी का दिन है कि जो आज हम लोग इस जगह पे आज मौजूद हम हुए हैं। फ्रेंड है हम लोगों की, बहुत प्यारी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, और उन्होंने पहली बार यहाँ पे रखा, उन्होंने गणपति बुलाया था घर पे, और गणपति पप्पा जहाँ भी आते हैं सब कुछ कुशल मंगल ही करते हैं, और उन कोई भी काम जब शुरुआत करते हैं तो पप्पा के आगमन से और पप्पा के आह्वान करके ही करते हैं, तो पप्पा जैसे इस बार आए अभी विदाई कर रहे हैं, थोड़ा दुख है थोड़ा दर्द है, लेकिन पापा कभी भी जाते हैं तो खुशियाँ जिस इतनी खुशी देख लेके आते हैं उतनी खुशियाँ देके जाते हैं, और साल भर हमें इंतजार रहता है अगली बार आने का, तो कोशिश करेंगे अगली बार पापा इससे ज़्यादा दिन के लिए आएँ,
और सारी खुशियाँ लेके आए, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।